अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ बीफ स्टू कीमे वाला। ठीक है, बीफ स्टू के लिए है लिया है मैंने आधा किलो कीमा, हाथ का मोटा मोटा। आपकी मर्ज़ी है, आप कीमे में बनाएं या बोटी में बनाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कीमे में ज़्यादा मज़े का लगता है। वो अपनी अपनी पसंद की बात है। ऑयल गरम हो चुका है हमारा, हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। आधा कप मैंने ऑयल लिया है। ठीक है, कीमा मैंने धो के रखा था, कीमा ऐड कर दिया, और साथ ही साथ मैंने अदरक और लहसुन कूट के रखा हुआ है फ्रेश, वो डालेंगे हम इसके अंदर। अदरक लहसुन ऐड कर रही हूँ, कुटा हुआ है ये फ्रेश। अदरक लहसुन ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर, और अब इसको हम करेंगे फ्राई। चूल्हा थोड़ा सा तेज करूंगी मैं। ठीक है, ये गरम हो रहा है। अब इसमें ऐड करेंगे हम साथ साथ हल्दी, हल्दी डालूंगी मैं आधा टीस्पून हल्दी डाल दी मैंने। हल्दी डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी, ये कंप्लीट गरम मसाला है, काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी की पीस 5-6, और आधा टीस्पून ज़ीरा, एक बड़ी इलायची, ये भी मैं इसमें साथ डाल दूंगी। ठीक है, फ्राई होना हमारा कीमा शुरू हो गया है, इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने इसके अंदर, कंप्लीट गरम मसाला डाला है, और आधा टीस्पून हल्दी। ठीक है, थोड़ा सा और तेज कर रही हूँ। अब मैं डालूंगी इसमें नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, जितना आप पसंद करती हैं। नमक मैं हमेशा हाथ से डालती हूँ। ठीक है, नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद अच्छी तरह चलाएंगे, कीमा हमारा बहुत अच्छा फ्राई हो रहा है। ठीक है, अब साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी 1.5 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया था, उसको हावन दस्ते में अच्छी तरीके से कूट लिया, दो तीन तीन पीस कर लिए, ये ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये ऐड हो गया, इसको चलाएंगे। अब डालेंगे इसमें दरमियाने साइज के 3 टमाटर, टमाटर ऐड कर दिए। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी कम से कम आधा गिलास पानी, ताकि टमाटर भी हमारे अच्छी तरीके से गल जाएं और कीमा भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक है, आधा गिलास मैंने पानी का ऐड कर दिया। अब इसको हम कम से कम 10 मिनट पकाएंगे। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे 10 मिनट के बाद। अच्छा जी, अब देखते हैं हमारा कीमा कहाँ तक पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह भुनाई पे आ चुका है, इसको हम यहाँ रखते हैं और इसकी भुनाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, टमाटर ऑलमोस्ट गल चुके हैं अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, मैंने मिर्ची ऐड नहीं की थी इसके अंदर, अब मैं मिर्ची ऐड करूँगी। इसमें साबुत मिर्ची 2-3 पीस कर लिए हैं इसमें, और हरी मिर्चें, मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, जितनी आपको पसंद है। ठीक है,
बहुत मज़े का बनता है ये कीमा, लाजमी बनाएं। अच्छा जी, अब मैं डालूंगी इसमें प्याज। प्याज मैंने मोटी मोटी काटी है, दो दरमियाने साइज की मैंने प्याज ली है, ये डाल दिया। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह हम चलाएंगे, देखें कितना शानदार लग रहा है माशाल्लाह से, कलरफुल सा कीमा स्टू। ठीक है, अब दोबारा हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे ताकि हमारी प्याज भी थोड़ी नरम हो जाए और हर चीज़ खड़ी खड़ी नज़र आए। साबुत गरम मसाला, साबुत मिर्चें, अदरक लहसुन कुटा हुआ, मिलती हूँ इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम पर। ठीक है, रखती हूँ इसको और फिर मैं आपसे मिलती हूँ 5 से 7 मिनट के बाद। हमारा बीफ स्टू, कीमा स्टू तैयार हो चुका है। अब हम चलाते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना शानदार तैयार हुआ है। अगर आप चाहें तो इसमें 2 से 3 चम्मच खाने वाले दही भी ऐड कर सकती हैं, मेरे पास था नहीं, वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ठीक है, कीमा स्टू तैयार है। वीडियो पसंद आती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। अल्लाह पाक आपके घरों में खैर आफियत रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।